हो जाएगा बच्चा, है ना, एल वेक्टर जीरो था, दोनों एंड ज्वाइन हो गया तो एल वेक्टर जीरो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द गिवन वायर्स। ठीक है बेटा, ये रीजन हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 10 टेस्ला, कांस्टेंट है बच्चा, है ना। सारे केस में जो करंट है वो 2 एम्पियर है। ठीक है बच्चा, सारे केस में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ऐसे हमारा बेटा जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। तुमको सारा फोर्स निकालना है बेटा आई कैप जे कैप के कैप में। ठीक है, देख बच्चा, पहला हमारा वायर ए से बी, ऐसे करंट आई बेटा, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, दूसरा वायर ऐसा वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसा बेटा करंट आई, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ये है बेटा 40 सेंटीमीटर। एक हमारा वायर ऐसा है, ये वायर ई और ये एफ, ऐसा वायर है। ठीक है बच्चा, इसमें हमारा करंट आई है बेटा, ये है 50 सेंटीमीटर का, और एंगल है बेटा ये 37 डिग्री। एक और बेटा है, ये वाला पॉइंट 1.2.3 मीटर है बेटा, और एक पॉइंट है बेटा 4.5.6। ठीक है बेटा, ये हमारा है मीटर में 4.6.8। ठीक है बच्चा, जो वायर है ये कोई आर्बिटरी शेप का है, और इसमें इसमें √2 एम्पियर का करंट है। चलो बनाओ, तो छोड़ो हटाओ, ये भी हमारा आई है बेटा। सबको निकालना है तेरे को फोर्स वेक्टर फॉर्म में, सबका फोर्स वेक्टर के फॉर्म में आई जे के फॉर्म में निकालना है बेटा, करो। तो हाँ बेटा कर दूंगा अपलोड, अभी तुम पढ़ो, अभी पढ़ो, मैं कर दूंगा अपलोड। करो बच्चा करो, लास्ट वाले में 1.2.3 4.6.8 बेटा, ध्यान से, सेंटीमीटर में, ए बी सी में लंबाई सेंटीमीटर में है बच्चा। हाँ बेटा, ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं।
करो। करो बच्चा करो। पूछ रहे हो बेटा, फोर्स ही ना है तो न्यूटन होगा। चलो देख बच्चा, इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई एल क्रॉस ई। हमारा एल ये और बी ये है ना बेटा? बेटा वीडियो रुक गया। ऐसा बेटा करंट हो गया। क्या हुआ है? पहली क्लास सही चली, उसके बाद सेम प्रॉब्लम। सिर्फ एक क्लास सही चली है आज। जबकि वेदर भी अच्छा है आज। चलो मैं करता हूं आंसर मैच करना बच्चा। देखो ये हमारा बेटा वायर, ये है करंट, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो देख बच्चा, इसके लिए ये करंट हो गया बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया तो फोर्स नीचे की ओर है ना बच्चा, फोर्स नीचे की ओर। तो क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट वाले के लिए, एफ वेक्टर इक्वल टू आई, आई हमारा एल वेक्टर, तो एल किधर है बताओ, आई कैप क्रॉस बी, बी किधर है बताओ, तो बी हमारा के कैप, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा हमारा आई हमारा 2 इंटू एल, एल हो गया बेटा 0.2 और बी हो गया बेटा 10, आई क्रॉस के इज माइनस जे, बोलो बेटा यही डायरेक्शन आया था हम लोग अभी कुछ देर पहले, तो कितना हो गया बेटा ये हो गया 4 माइनस जे कैप, या का बेटा 4 न्यूटन इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, बोलो बेटा ठीक है। अब चले बेटा बी में, अब देखो सेकंड में, सेकंड हमारा बेटा ये है ना, तो ये हमारा बेटा ये देख बेटा नीचे करंट, नीचे करंट, नीचे करंट, फील्ड बेटा बाहर की ओर, तो फोर्स ऐसे हो गया इधर, मतलब क्या हुआ इधर फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, तो फोर्स हो गया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो क्या कर देगा बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल बी, इधर हमारा माइनस आई कैप, दैट इज इक्वल टू आई हमारा कितना बेटा, आई हो गया हमारा इतना 2 एम्पियर, 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 इंटू 10 है ना बच्चा, तो ये हो गया माइनस 8 आई कैप न्यूटन। थर्ड में आ जाओ बेटा, ध्यान देना थर्ड में, ये रहा बेटा करंट, ये रहा फील्ड है ना बेटा, ये करंट, ये करंट है ना बेटा, इधर करंट हमारा कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, इधर से ये करंट है ना बेटा, फील्ड बाहर की ओर, करंट हमारा ये फील्ड बाहर की ओर, तो फोर्स ऐसे बेटा इससे परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा इस पे हमारा फोर्स बेटा देख कैसे हुआ, फोर्स हमारा बेटा देख, फोर्स हमारा ऐसे हुआ बेटा है ना एफ, तो देख बेटा ये एफ हमारा ये एंगल 90 है और ये 37 है बेटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 53 होना चाहिए ना, ए पार्ट में पॉजिटिव वाई एक्स होगा ना, देखते हैं बेटा फिर से, करंट ए पार्ट में करंट, फील्ड फोर्स, नीचे फोर्स ना बेटा वाई का उल्टा आएगा ना। अब देखो थर्ड का देख बेटा, ये वाला के लिए एफ वेक्टर इक्वल टू एफ कॉस 53, कॉस 53 आई कैप, और नीचे आ गया बेटा माइनस एफ साइन 53 जे कैप, दैट इज इक्वल टू देखना बेटा एफ कितना, तो आई एल बी, आई हमारा 2, एल बेटा 0.5, 2 इंटू 0.5 ठीक है बेटा, 2 इंटू 0.5 क्या होगा, 2 इंटू 0.5 1, 1 इंटू 10 ये हो गया बेटा 10 ऑफ, ये हो गया 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप न्यूटन ठीक है बच्चा। इसमें देखो, इसमें हमारा यहां से यहां ड्रॉ करेगा बेटा, और ये ना होगा हमारा एल वेक्टर, तो देख बेटा फोर्थ के लिए एल वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, एल वेक्टर हुआ बेटा 4 माइनस 1, ये हो गया बेटा 3 आई कैप, 6 माइनस 2 प्लस 4 जे कैप, 8 माइनस 3 प्लस 5 के कैप है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स कितना देखो तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना बेटा, बी हमारा कैसे है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ बेटा के कैप है ना, तो देखते बेटा आई एल क्रॉस बी में आई तो हमारा हो गया 2, बी हो गया हमारा 10 है ना, अब बताओ के कैप आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई क्रॉस के माइनस जे है ना बेटा, आई क्रॉस के माइनस माइनस 3 जे हो गया बेटा,
अब देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, तो प्लस हो गया बेटा ये 4i, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस 60j कैप प्लस 80k कैप न्यूटन, ठीक है बच्चा लिख लो। गुड, हर्षित के चारों सही। आरकेस बोलो। नो सर, पहले से यहां कर रहा था, सॉरी सर। ठीक है, यस सर। निधि, निधि आयुष, थर्ड वाले वायर में वायर का कंपोनेंट ले कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बेटा, वायर का भी कंपोनेंट ले कर सकते हो। आदित्य रंजन का भी सही। श्वेताश्व, कुछ नहीं सर, गलती से हो गया था। आवाज बहुत वीक है। आवाज बहुत वीक है बेटा। संकेत सर, वो फोर्थ वाला फिर से एक बार सर। सबसे पहले बेटा हम निकाले एल वेक्टर, यस एंड सर। से एंड ना बेटा, फोर माइनस वन थ्री आई कैप, सिक्स माइनस टू फोर, 4j कैप, 4j, 8 माइनस 3, 5k कैप, है ना बच्चा? और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 10 टेस्ला बाहर की ओर, बाहर मतलब k कैप, k कैप। अब कर लो I L क्रॉस B, यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देखो बेटा, एक वायर को कर्व शेप में रखा है और कहता है कि 5/2, 0 बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5/2, ठीक है बच्चा। यहां तक के वायर पे फोर्स निकालना है। इफ फर्स्ट पार्ट B वेक्टर इक्वल टू B नॉट I कैप, B में B वेक्टर इक्वल टू B नॉट J कैप, C में B वेक्टर इक्वल टू B नॉट K कैप, निकालो तो
निकालो बच्चा, ऑडियो आ रहा होगा बच्चा, सीन चेन बोलो भाई, बोलना है सीन चेन कुछ पीयूष सर? लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना यूट्यूब पे। हाँ कर देंगे बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। श्रेय सर, ये पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो वो 8 आ गया है, 6 क्या चाहिए ना? फिर से बोलो सर, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो थर्ड पार्ट है उसमें, हाँ थर्ड आई और जे होगा ना बेटा, 6 जे का। अरे नहीं, केकेएफ में नहीं है वो, 8 आई आ रहा है। तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही बेटा। आई आ रहा है पढ़ लिया बेटा मैसेज तुम्हारा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बेटा तुमको। ओ करंट छूट गया, एक मिनट रुको, करंट छूट गया। ए बेटा ए, ए है करंट, करंट मान ले बेटा आई, बनाओ करंट आई है बेटा, करंट जीरो नहीं है, बनाओ। ए साइन एक्स है, ए साइन पाई एक्स है, फोर साइन पाई एक्स नहीं है बच्चा। अब डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, पढ़ाएंगे आज, बहुत टाइम चला गया उसमें। चलो करो, चल देख बेटा मैं करता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, सारे पार्ट के लिए कहो। पहले तो हम बेटा इस वायर का ग्राफ बनाए, ये हमारा है बेटा वाई फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है बच्चा। वाई फंक्शन ऑफ एक्स में साइन कर्व बनाओ, तो देख बेटा साइन कर्व कैसे बनेगा, साइन कर्व तो ऐसे बनेगा ना बेटा, साइन कर्व तो हमारा ऐसे बनेगा है ना, ये होगा जीरो, ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, बोल बेटा ऐसे होगा, ये तो ऐसे बढ़ते ही जाएगा है ना। लेकिन क्वेश्चन कहता है बेटा x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू फाइव फाइव बाई टू, तो देख बेटा x इक्वल टू जीरो ये हुआ और फाइव बाई टू हमारा कहाँ होगा, देखो फाइव बाई टू हमारा होगा बेटा यहां तक, बोलो फाइव बाई टू हमारा होगा बेटा यहां तक। तो देख बेटा करेंट हमारा ऐसे ऐसे है ना, करेंट हमारा ऐसे ऐसे है ना बेटा, ठीक है। तो हमें बात करनी है यहां से लेकर के यहां तक, है ना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें आ ही चुका है ना बेटा। अब चलो हम बात करें सिंपल तरीके से बात करें बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या इसके ऐसे बोल सकते हो बेटा, एफ इक्वल टू आई एल परपेंडिकुलर बी, बोलो बेटा, बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बोलेंगे, एफ इक्वल टू कैसा वेक्टर है बेटा, आई कैप ना, तो बोल बेटा आई कैप के लिए परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी,
या तो वाई में या तो जेड में, है ना बेटा, या तो वाई में या तो जेड में। ये वायर बेटा जेड में गया ही नहीं, है ना, जेड में नहीं गया, तो सिर्फ हम वाई की बात करें तो वाई के लिए क्या बोलेगा बेटा, ऊंचाई कितना है ये कैपिटल ए, तो क्या हो गया आई इंटू कैपिटल ए इंटू बी। ठीक है बच्चा, डायरेक्शन क्या बोलेगा, वाई किधर लिया था करंट, करंट मारा था वाई बेटा, वाई कंपोनेंट लिया तुमने ना, तो एल क्रॉस बी। देख बच्चा ये हो गया एल वाई डायरेक्शन, और बी हमारा कैसे ऐसे, है ना बेटा, ऐसे हमारा करंट वाई, ऐसे बी, तो ऐसे फोर्स अंदर की ओर माइनस के कैप, बोल बच्चा, है ना। ठीक है, इसी को करने के लिए तुम ये भी कह सकते थे बेटा कि एल वेक्टर कितना हो गया, तो 5/2 आई कैप प्लस ए जे कैप, बोल बेटा ए जे कैप, है ना। अब आओ सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में फील्ड बेटा किधर हमारा जे कैप, है ना बेटा, फील्ड हमारा जे कैप। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा जे कैप हमारा कितना होगा, बोलो जे कैप के परपेंडिकुलर या तो आई कैप या तो के कैप, वायर के कैप में गया नहीं, सिर्फ आई कैप सोचो, सिर्फ आई कैप में कितनी लंबाई, कितनी लंबाई 5/2, सो एफ इक्वल टू आई इंटू 5/2 इंटू बी। अब डायरेक्शन देखो, तो ऐसे बेटा आई कैप फील्ड जे कैप, तो फोर्स बाहर की ओर कितना हो गया बेटा ये के कैप। ठीक है, सी में आ जाओ, सी में देख बेटा बी इक्वल टू बी नॉट के कैप, के कैप के लिए एक्स और वाई दोनों ही परपेंडिकुलर, के लिए बेटा एक्स और वाई दोनों ही परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। ठीक है, तो देख बेटा अगर हम के कैप के लिए एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर है, और तुमने पूछा था मुझसे बेटा कि कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने कहा था करेंगे, तो देख बेटा कंपोनेंट कैसे करना होगा, तो यहां से जो ये हमारा वायर है बेटा, इसको ऐसे मान लो वायर, एक ऐसा वायर और एक ऐसा वायर, है ना बेटा, ऐसा वायर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना बच्चा। तो देख तो इस वाले के लिए कितना हो गया लंबाई 5/2, है ना बेटा, तो क्या हो गया फोर्स आई इंटू 5/2 इंटू बी। डायरेक्शन एक्स में करेंट, के में फील्ड, तो नीचे फोर्स माइनस जे कैप। ठीक है बेटा, फिर प्लस, अब देख बेटा ये हमारा वायर कितनी लंबाई ए, एम्पलीट्यूड कितना बेटा, तो आई ए बी। फोर्स देखो, ये करंट, ये फील्ड, तो ये फोर्स किधर हुआ, ये आई कैप, तो ये हुआ हमारा आई कैप। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, सोनू तुम क्या लिख रहा है सोच के कर, इरेज कर रहा हूं बच्चा इसको। तो अब तक के दोनों सवाल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा यूनिफॉर्म थी, अब तक के दोनों सवाल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म थी, है ना बच्चा। अब देख सवाल, अगला सवाल में ये एक्स और वाई एक्सिस, इस एक्स और वाई एक्सिस पे एक रखा है स्क्वायर वायर, एक रखा है बेटा स्क्वायर वायर, ऐसा रखा है स्क्वायर वायर। ठीक है बच्चा, ए बी सी डी, इसमें ऐसे है करंट आई, ऐसे है करंट आई। ठीक है बच्चा, है ना। अब देख बच्चा, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B वेक्टर इक्वल टू B नॉट 1 प्लस A बाई X, 1 प्लस X बाई A, X बाई A K कैप, मतलब डिपेंड कर रहा है X कोऑर्डिनेट पे, और A इसका बेटा साइड लेंथ है ना। सवाल कहता है फाइंड
फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ए ऑन ए बी, बी ऑन बी सी, सी ऑन सी डी, डी ऑन लूप। चलो बनाओ, चलो बनाओ बच्चा। सावधानी से करना बेटा, डी का जीरो नहीं होगा, डी का जीरो नहीं होगा आदित्य। लूप तो है लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बच्चा। बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं, थोड़ा इरिटेट हो गया हूं यार, आज बहुत डिस्टर्ब किया इंटरनेट। हमारे पहले वाली क्लास भी कैंसिल हो गई, थोड़ी देर हुई आधा लगभग लास्ट का आधा घंटा वेस्ट हो गया। अबे स्पाइडरमैन, तेरे को कस्टमर की क्या जरूरत है, तो खुद कूद के चला जा। कर बच्चा कर, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो। जय पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं क्या बोलूं बेटा, कभी लगता है होनी चाहिए, कभी लगता है नहीं होनी चाहिए। गुड यस्मिना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो। वेलकम यस, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ मतलब बहुत अच्छा होने वाला है ना बेटा। कभी कभी हम ऐसी चीज चाहते हैं है ना जो हमारे लायक नहीं होती, हम उससे अच्छा डिजर्व करते हैं। थैंक यू तारिक। अब चलो क्वेश्चन बनाओ, चलो बच्चा मैं करता हूं। देखो देखो बेटा, देख बच्चा, अगर मैं कहूं बेटा फॉर ए बी, सुनना रे ध्यान सुनना बात को। देख बेटा ये जो हमारा कंडीशन आ रही है अभी, ये जो हमारा कंडीशन आया बेटा, इसमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्लियर है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है बच्चा, है ना। अब देखो अगर मैं कहूं ए बी, तो देख लो ना बेटा ए बी का पूरा वायर ऑन एक्स वाई पे ना बेटा, ए बी पूरी वायर जो है वाई पे है ना, और वाई पे आने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है बच्चा। तो यहां हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। तो देख बेटा एक्स अगर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा बोलो, हो जाएगा बी नॉट के कैप। तो तुम खुद देख रहे होगे कि इस वायर के लिए
तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया बच्चा, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, देख रहे हो ना, x पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि x जीरो है, है ना बच्चा। तो अब क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू I L, L कितना बेटा A, और ये B नॉट, है ना बेटा। डायरेक्शन जो चेक करते हैं तो ऐसे हमारा करंट, है ना बेटा, ऐसे हमारा फील्ड, यू करंट यू फील्ड, तो ऐसे बेटा फोर्स लगेगा ना, इसका मतलब यहां फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, बोल लगेगा F1, बोल बच्चा लगेगा ना, ऐसे करंट, ऐसे करंट, फील्ड बाहर तो ऐसे फोर्स, है ना बेटा। अब चलो आओ फॉर BC, तो देख बेटा B से C के लिए, अब तुम देख रहे होगे पूरे B से C के लिए बेटा, इसके हर अलग अलग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है बेटा, और अगर इसके अलग अलग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो क्या करोगे, देखो तो हम कहेंगे बेटा यहां से x डिस्टेंस पे, x की दूरी पे एक dx का मान ले बेटा एलिमेंट, है ना, तो इस dx वाले एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे फोर्स, लिखेंगे बेटा df, कितना होगा बेटा करंट I इंटू लंबाई dx इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वन प्लस एक्स बाई ए, है ना बच्चा, एंगल तो 90 है, प्लेन से परपेंडिकुलर है बेटा फील्ड, तो एंगल तो 90 होगा ना, क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल टू आई बी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स बाई ए डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से बेटा ए, ये हो गया फोर्स एफ टू, तो एफ टू हमारा कितना हो गया बेटा, एफ टू हो जाएगा देखो क्या, आई बी नॉट ये वन प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा बेटा थ्री बाई टू ए, ठीक है। अब चलो फॉर सी डी, है ना बेटा, अब देख सी से डी क्या बोलेगा बेटा, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कितना है बेटा, तो ए, तो बोलेंगे सी डी के लिए एक्स इक्वल टू ए, तो अगर एक्स इक्वल टू ए है बेटा तो फील्ड हमारा कितना हो गया बोलो, तो फील्ड हो गया बेटा टू बी नॉट के कैप, बोलो बेटा फील्ड हो गया टू बी नॉट के कैप, है ना। तब क्या करोगे फोर्स, F3 इक्वल टू I A 2B नॉट, है ना बेटा डायरेक्शन, अच्छा इसका डायरेक्शन भी इसका डायरेक्शन भी, पहले इसका निकालते हैं बेटा, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे फील्ड, है ना बेटा, तो नीचे फोर्स, इसका मतलब यहां पे फोर्स कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना बेटा, यहां पे फोर्स ऐसे होगा F3, ठीक है। अब चलो कहोगे फॉर फॉर डी ए, डी ए के लिए बेटा एफ फोर, तो देखो बेटा जैसा इसका एक्स वैरी कर रहा है उसी तरह से बेटा इसका भी एक्स वैरी किया, बस डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा है बेटा, तो इसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा एफ टू आया था कितना आया था बेटा, आई बी नॉट थ्री बाई टू ए, है ना बेटा, किस तरफ, तो ऐसे, है ना बेटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों फोर्स कैंसिल, ये दोनों फोर्स कैंसिल, मतलब इस दोनों का ही आगा बेटा रिजल्टेंट, है ना। तो अब अगर तुम कहोगे एफ लूप, अगर पूरे लूप पे कितना फोर्स, तो कहेंगे बेटा एफ टू एफ फोर खत्म करो, बचा हमारा ये वाला और ये वाला, ये बड़ा है बेटा तो ये माइनस ये, तो हो गया एफ थ्री माइनस एफ वन आई कैप, है ना बेटा, तो माइनस आई कैप That is equal to minus I A B not I cap, ठीक है बच्चा लिख लो। बोलो कुशल। सर हम जब फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट में आएगा, लोअर लिमिट में तो ए बी वायर का भी फोर्स हम काउंट करेंगे ना, जैसे L बराबर 0 पर B, AB का तो काम खत्म हो गया ऊपर में, देखो ना हम लोग एक एक साइड का निकाल रहे हैं बच्चा ना। यस सर। तो AB का तो काम खत्म हो गया, AB तो हमारा y एक्सिस पे है बेटा, y एक्सिस वाले हर पॉइंट का x इक्वल टू 0, है ना। यस सर।
सर मैं पूछ रहा था इससे हम इंटीग्रेट करेंगे इसके लिए डीएफ का इंटीग्रेट सर डीएफ के इंटीग्रेशन में जो लोअर लिमिट लिखेंगे इसके लिए कौन सा साइड के लिए एबी के लिए कि बीसी के लिए बीसी के लिए बीसी के देखो लिमिट कहाँ दी है लिमिट किसका है वो बी से सी है बेटा यहाँ डीएक्स आया ना यस सर इसके मतलब बेटा एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट तो बी से सी में देखो बेटा एक्स का जीरो से लेकर के एन बोलेंगे यस सर रिजर्व डीएफ की लिमिट होगी बोलो सर जो डीएफ की लिमिट होगी उसमें वो बी पॉइंट भी तो आएगा वो जीरो से एफ जीरो ओके सर बी कहां से स्टार्ट है यहां से और सी यहां से है ना तो डीएफ का तो लिमिट होगा जीरो से एफ लास्ट नेगेटिव कैसे आया अरे बच्चा एफ थ्री देख एफ वन देख एफ थ्री एफ वन में एफ थ्री बड़ा है तो रिजल्टेंट नेगेटिव एक्स में आएगा ना ठीक है बच्चा कहता है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सर्कुलर वायर वायर कैसा है सर्कुलर है बच्चा सर्कुलर वायर ऑफ करंट आई रेडियस आर ठीक है बेटा पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड विथ सेंटर एट 0.0, h ठीक है बच्चा बात समझ में आया बेटा सवाल कहता है बेटा एक सर्कुलर वायर मानो उस सर्कुलर वायर में करंट है बच्चा है ना करंट हमारा I है ना और करंट कैसा है बेटा तो लूप जो है बेटा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ना बच्चा वो लूप जो है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है सॉरी वो लूप यहां देखो कॉइल दिखा रहा हूं तुमको मैं एक्चुअली में है बेटा ये लूप ऐसा लूप है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और इसके जो सेंटर है बेटा वो सेंटर एक्स वाई प्लेन से ऊंचा है एच हाइट ऊंचा है ना बेटा समझा अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तो कहो मैग्नेटिक फील्ड को इमेज नहीं करो कि ओरिजिन पे एक बल्ब जल रहा है ओरिजिन पे बेटा एक बल्ब जल रहा है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में हर जगह मैग्नीट्यूड सेम कितना बी नॉट चलो ट्राई करो श्रेय अरे कितनी बार लिखेगा संजय पुरोहित गलती से खड़ा हो गया
बोलो सर। आवाज ही नहीं आती बेटा, क्या करूं। हाँ बेटा तेजस, जो एल है ना बेटा, एल पहले ही कहा था मैंने, एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, एल इज इन डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है बच्चा, बनाओ बनाओ सवाल बनाओ। आपस का मैग्नेटिक फील्ड ढेर लेंगे बेटा, एक बार या मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर नहीं लेंगे। मेरे बड़े बाल कब थे? आज से 3-4 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले। आपस का मैग्नेटिक फोर्स काउंट नहीं करना है बच्चा, अभी हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का निकालना चाह रहे हैं ना। नहीं आज नहीं करेंगे डिस्कशन। ट्राई कर लिया बच्चा, चलो मैं ट्राई करता हूं। देखो देख बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना बेटा अच्छे से। देखो सबसे पहले वायर का दिखा जाए डिजाइन, वायर का देखो बेटा आकार। तो देख बेटा ऐसे मान ले बेटा जेड एक्सिस, ऐसे मान ले जेड एक्सिस, ठीक है। ये मान ले बच्चा ओरिजिन, ठीक है बेटा। अब कहो यहां से एच हाइट ऊपर, यहां से बेटा एच हाइट ऊपर इस वायर का बेटा सेंटर है, उस वायर का बेटा यहाँ सेंटर है और बेटा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब वायर कैसा है देखो, ऐसा है बेटा वायर, ठीक है। ये हमारा वायर है बेटा और ये हमारा करंट आई है, ठीक है बेटा। ऐसे करंट आई मान लिया मैंने, तुम उल्टा ही मान सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन तो लिखा नहीं। तो ऐसे हमारा करंट आई बच्चा है ना। आगे सुनो बेटा, इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रखा है? तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ओरिजिन से रेडियल डायरेक्शन। तो देख बेटा ओरिजिन से रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से रेडियल का मतलब ऐसा ही ना हो गया बच्चा, चारों तरफ हो गया है ना। तो इमेजिन क्या बेटा, जब ओरिजिन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ फूटेगी है ना, तो अब एक कोण जैसा सोचो बेटा, अब एक कोण जैसा सोचो तो महसूस करोगे कि तुमको लगेगा बेटा कि ये कौन टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कौन जैसा बनेगा है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कौन जैसा बनेगा वही हमारा रिंग है ऊपर। बोल बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे ऐसे जो कौन जैसा बनेगा बेटा वही हमारा ऊपर रिंग है ना, उसी पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
तो देख बेटा अभी इस कंडीशन में अगर इस वाले पॉइंट को मैं चुनू तो फिर बताओ मुझे इस वाले पॉइंट बेटा इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है बेटा, बोलो बोलो बोलो, इनसाइड, बिल्कुल सही अलंकिता। ये हमारा करंट बेटा अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा देख बेटा ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है और करंट बेटा अंदर की ओर, तो फोर्स कैसा हुआ देखो, तो ऐसे करंट ऐसे फील्ड तो ऐसे फोर्स ना बेटा, तो इस पे हमारा फोर्स लग जाएगा ऐसे, फोर्स लग जाएगा बेटा कितना हमारा डीएफ है ना बेटा। अब देखिए फोर्स लगा डीएफ ऐसे, अब सोचो बेटा यहाँ पे तुम लेते एलिमेंट तो ऐसे ना आता बेटा फोर्स, इस वाले एलिमेंट पे ऐसे ना आता बेटा फोर्स, तो रिजल्टेंट आने की उम्मीद कैसे है बेटा, रिजल्टेंट आने की उम्मीद कैसे हो गई नीचे की तरफ है ना। तो अब देख बेटा इस डीएफ का एंगल मान ले हीटा, तो इसका ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट डीएफ कॉस हीटा, और ऐसे हो जाएगा बेटा डीएफ साइन थीटा है ना। तो क्या क्या दोगे बेटा, एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा, क्योंकि सिमेट्री से ये दोनों तरफ बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्री से वो दोनों तरफ हमारा बेटा कैंसिल हो जाएगा है ना बेटा, ठीक है। चलते एक बच्चा आगे, तो देखो इक्वल टू कितना हुआ आई इंटू डीएल इंटू बी नॉट साइन थीटा, इस ट्राइंगल में ये हुआ आर, आर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट बी नॉट कॉन्स्टेंट आर बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बच गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो जीरो टू टू पाई आर, जीरो टू टू पाई आर ये कितना हो गया बेटा टू पाई आई आर स्क्वायर बी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है बच्चा लिख ले इसको, लिख ले। रूपाली बोलो, हाँ बेटा क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना बेटा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन देखो हर जगह अलग है ना बच्चा, हर जगह डायरेक्शन देखो अलग अलग है ना। डीएफ का डायरेक्शन फिर से चाहिए, देखो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट आया तो अंदर की तरफ, ऐसे हो गया करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया फोर्स, ठीक है। जल्दी लिखो बेटा,
तो देख बेटा, अब बात किया जाए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है बच्चा, दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग जानते हैं बेटा करंट कैरिंग वायर से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, करंट कैरिंग वायर से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। और मैग्नेटिक फील्ड वायर पे फोर्स लगाएगा, है ना बेटा। तो एक वायर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वायर क्या बेटा, एक वायर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वायर उसी मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ना बच्चा। तो पहला मैंने केस कहा बेटा पैरेलल वायर, ठीक है। तो मान ले बेटा ये हमारा वायर कैसा है, पैरेलल है। तो देख बेटा अगर ये वायर हमारा पैरेलल है तो क्या करेंगे बेटा, सुना गौर से, अगर वायर पैरेलल है तो मैंने माना बेटा एक ये वायर और एक कैसा वायर, ये इनफाइनाइट वायर, कैसा वायर, तो ये इनफाइनाइट वायर, है ना बेटा, ये वायर हमारा इनफाइनाइट वायर, समझा बेटा, ऊपर से भी इन्फिनिटी और नीचे से भी इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इसमें हमारा बेटा मान ले करंट हमारा बेटा कैपिटल आई, इसमें हमारा बेटा करंट कैपिटल आई, ठीक है। इमेजिन करो यहां से बेटा स्मॉल आर की दूरी पे, स्मॉल आर की दूरी पे एक और वायर है ना बेटा। ये वायर में मुझे पता है कि करंट बेटा ऐसा है स्मॉल आई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये फाइनाइट है या नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है, है ना बेटा, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं देखो, अच्छा रुको, इसको मैंने बोला बेटा करंट आई वन, इसमें बोला आई टू, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कि मान ले बेटा इस छोटे से वायर में यहां एक लेंथ मान ले बेटा डीएल, इसे मान ले बेटा लेंथ कितना डीएल, है ना। तो देखते बेटा इस वाले वायर की वजह से इस वाले वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, किधर होगा, तो देख बेटा ये करंट, यहां फील्ड चाहिए तो अंदर की ओर होगा ना बेटा, क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की ओर, कैसा, ऐसा, है ना बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, क्या लिखोगे बेटा, बी वन इक्वल टू म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर, है ना बच्चा, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर, है ना बेटा। अब मैं कहूं बेटा इस वाले पे फोर्स देखना रे, ये करंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऐसे ना बेटा, इसका मतलब इस वाले वायर पे इस करंट की वजह से ऐसा लगेगा बेटा फोर्स, बोलो डीएफ, है ना। तो डीएफ हमारा कितना हो जाएगा बेटा, बोल, ये डीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डीएफ इक्वल टू आई टू इंटू बी वन इंटू डीएल, है ना बेटा, इसका करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। तो क्या होगा बेटा बोल, ये हो जाएगा हमारा आई टू इंटू म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर इंटू डीएल। तो क्या निकल गया बेटा हमारा, डी एफ बाई डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, बोल बेटा होगा डी एफ बाई डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, है ना बच्चा। एक ऐसा फोर्स है, बोलो, अभी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों में कैसा है, अट्रैक्शन है। अगर दोनों में करंट हमने कैसा लिया, सेम डायरेक्शन में लिया, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है बेटा, तो अट्रैक्टिव फोर्स, है ना बेटा। और ये हो जाएगा रिपल्सिव अगर दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो, है ना बेटा। पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल वायर रिपेल्स, ठीक है बच्चा। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा जनरल कंडीशन,
जनरल कंडीशन। ठीक है बच्चा, जनरल कंडीशन क्या है सुनो, ये मान ले बेटा एक वायर, फिर से इनफाइनाइट, इसमें बेटा करंट आई। ठीक है बच्चा, अब मानो एक रैंडम वायर, एक आर्बिटरी वायर है ना बेटा, एक आर्बिटरी वायर मान लो। ठीक है, इस आर्बिटरी वायर पे यहां से आर लो और ऐसे डीएल लो है ना बेटा। अब देखना गौर से, बोलो बच्चा इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके करंट में कितना एंगल है, बोल के बताओ, लिख के बताओ बच्चा कितना एंगल है, 90 है। अब बोलो इस वाले वायर का यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोलोगे, ये भी हो जाएगा बेटा अंदर की ओर ना, ये भी हो जाएगा अंदर ना बेटा, बस अंतर ये होगा बेटा कि यहां जो फोर्स ऐसे बना है कि यहां वाला फोर्स ऐसे बनेगा है ना, यहां वाला फोर्स ऐसे बनेगा, देखो डीएल बी एफ है ना, तो तुम यहां भी कह सकते हो बेटा डीएफ बाई डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर। सीखे बेटा इससे कुछ, ये फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो है ना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो है ना बेटा, मतलब वायर पैरेलल है तो भी, नहीं है तो भी, अंतर किस बात का, तो कहेंगे देख बच्चा अगर वायर पैरेलल है ना तो आर हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा कांस्टेंट है ना बच्चा, लेकिन पैरेलल नहीं है बच्चा तो आर कांस्टेंट नहीं है, आर यूनिफॉर्म नहीं है, जब आर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये वेरिएबल हो जाएगा फोर्स, समझ गया बट है ना। अब सोचो अगर ये वायर ऐसा है और ये वाला वायर को मैं ऐसे रखता, अगर अगर मैं ऐसे रखता तो क्या बोलते हैं कि डी आर और आर, डी आर और आर, डी एल, डी एल और आर हो जाएगा सेम लाइन पे, तो डी एल की जगह पे क्या बोल देंगे, डी आर बोल देंगे, डी आर बोल देंगे, इधर इंट्रीगेट करेंगे। ठीक है बच्चा जल्दी लिखो, हाँ बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा इसमें है ना, जल्दी लिखो, हाँ होंगे बच्चा एक्सेलरेशन पे होंगे, इरेज कर रहा हूं बच्चा, ये वाला ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ
बनाओ, इक्विलिब्रियम कैसा है? बनाओ बच्चे बनाओ, एक्सपीरियंस बेटा सिर्फ पढ़ाई से ही होगा, और कोई तरीका नहीं बच्चा। करो करो, शिव प्रताप रघुवंशी दिखा रहे हैं भाई, शिव बिल्कुल सही बेटा, आगे बढ़ो, बिल्कुल सही बच्चा शिव। चल देख बच्चा मैं करता हूं, देखो तो देख बेटा, इस सवाल में एक वर्ड यूज कर दिया गया वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब अर्थ के आसपास है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एम जी, ये कितना बेटा, ये कितना है ना बेटा, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या था बोलो, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एच, बोलो बेटा टू पाई एच, ये था बेटा क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक मीटर लंबाई पे इतना फोर्स है ना बेटा, तो एल मीटर की लंबाई पे कितना फोर्स, तो इंटू एल इक्वल टू लैम्डा एल जी, लैम्डा हो गया बेटा मेरा लीनियर मास डेंसिटी, तो क्या कह दो कि लैम्डा इक्वल टू म्यू नॉट आई आई बाई टू पाई एच जी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट आओ, डायरेक्शन चाहिए बताओ बेटा, इन दोनों में तुम्हें अट्रैक्शन चाहिए या रिपल्सन चाहिए, बोलो बेटा अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन चाहिए ना बच्चा, अट्रैक्शन चाहिए ना। इसका मतलब क्या कहोगे, दोनों में करंट कैसे होगा, दोनों में करंट होगा बेटा सेम डायरेक्शन में, दोनों में करंट होगा सेम डायरेक्शन में, है ना बेटा, ठीक है। अब देख बेटा सी में, सी कहता है कि बताओ स्टेबल कैसा है, इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल, है ना बेटा। चलो चेक कर लेते हैं, देखो बच्चा अगर मैं इसको हल्का सा यहां डिस्टर्ब कर दूं, है ना बेटा, हल्का सा यहां ले जाऊं, है ना, तो क्या होगा बोलो, अट्रैक्शन फोर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा मजबूत, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा मजबूत तो ऊपर खींच लेगा ना उसको, है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ये अनस्टेबल है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, ये
अनस्टेबल है ना। वैसे ही सोचो हल्का सा नीचे कर दे, है ना बेटा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा, है ना। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स हमारा कैसा लग रहा है बच्चा, ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक, नीचे ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना बच्चा। चलो आगे बात करें, होमवर्क दे देते हैं बच्चा। देखो अब एक्सरसाइज वन में कहां तक हुआ था बताओ डिस्कस भैया, अट्रैक्शन फोर्स क्यों लिया पूछ रहा है ये, गंदी बात बेटा। बोलो एक्सरसाइज वन में कहां तक कर चुके थे हम लोग, सेक्शन जी कर चुके थे ना, एफ कर चुके थे, ओके जी नहीं हुआ था। चलते एक बच्चा, तो एक्सरसाइज वन पार्ट वन, पार्ट वन में सेक्शन जी कर लो और एच कर लो, ठीक है बच्चा, जी एच और आई, जी एच और आई कर लो। और पार्ट टू में, पार्ट टू में सी कर चुके थे, डी कर चुके थे, ई कर चुके थे, है ना। सेक्शन एफ भी कर चुका है तुम, तो सेक्शन जी कर लेना। अच्छा पार्ट टू में एफ हो गया था ना, पार्ट टू में एफ हो गया था ना, दे दिया था होमवर्क। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो एफ और जी कर दिया, एफ और जी कर लो, ठीक है, एफ और जी, ठीक है बच्चा, है ना। और एक डीपी कर लेना, डीपी कौन सा दिया था पहले, 10 की 11, डीपी पहले क्या दिए थे, 11 दिया था, तो चलो आज 12 करो, यही हमारा होमवर्क है बेटा। चलो अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे बच्चा।